यूक्रेन और रूस का युद्ध, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का देहांत, यूके की बदलती राजनीति, पाकिस्तान की बाढ़, ईरान में प्रदर्शन, कतर फीफा वर्ल्ड कप, ये सभी वो बड़ी खबरें हैं जिनका बोलबाला पूरे साल 2022 तक रहा। अगर आप अनकट के रेगुलर ऑडियंस हैं तो आपको एक शब्द से ही पता चल गया होगा कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि हमने हर चीज़ विस्तार से कवर की है। मगर जो नए हैं या फिर जो भूल जाते हैं, उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि किन किन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का 2022 में कब्जा रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पुतिन को जैसे उम्मीद थी कि युद्ध रूस ही जीतेगा। रूस ने ये कतई नहीं सोचा था कि इतने सारे देश एक साथ आ जाएंगे यूक्रेन की मदद के लिए। सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाम कसने के लिए फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए और साथ ही साथ यूक्रेन को सेना से लेकर के हथियार और बाकी खाने पीने की पूरी हर सुविधा मुहैया कराई। सही मायनों में युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मगर यूक्रेन भी रूस को अच्छी टक्कर दे रहा है। आप पश्चिमी देशों की मदद का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि अमेरिका के नए यूएस कांग्रेस बिल के अनुसार अमेरिका ने $44 बिलियन खर्च दिए हैं यूक्रेन की इमरजेंसी फंडिंग में। पूरे युद्ध की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अब तक यूक्रेन पर युद्ध में करीब $100 बिलियन खर्च कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जिसने दुनिया भर में सनसनी मचाकर रख दी वो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का देहांत। क्वीन एलिजाबेथ का देहांत सितंबर में स्कॉटलैंड में हुआ। महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक रानी की गद्दी संभाली और ब्रिटेन के सभी राजा रानियों में सबसे ज्यादा दिन गद्दी नशीन रही। उनके मरने पर हजारों की तादाद में ब्रिटेन के लोग बाहर लाइन लगाकर खड़े थे ताकि उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें। भारतीय मीडिया ने भी इसको तसल्ली से कवर किया। उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब जाकर के राजा बने हैं। उनके अंतिम संस्कार में 2000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जैसे बड़े नेता शामिल थे। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, जिन्होंने कामकाजी रॉयल्स के रूप में पद छोड़ दिया है, उन्होंने भी इस फ्यूनरल में हिस्सा लिया। तीसरा, पाकिस्तान की बाढ़। पाकिस्तान वैसे ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था कि बाढ़ ने मानो गरीबी में आटा गीला कर दिया। आंकड़ों की माने तो विनाशकारी बाढ़ के चलते कुछ 1700 लोगों ने अपनी अपनी जान गंवाई और ये आंकड़ा भी कहा जा रहा है कि असल आंकड़ों से बहुत कम है। जानकारों के अनुसार इससे कई ज्यादा जाने गई हैं। इसके बाद लोगों में पानी के कारण फैली बीमारियों ने अलग से कमर तोड़ दी। कुल मिलाकर 3.2 ट्रिलियन रुपए माने $14.9 बिलियन का नुकसान हुआ है और 3.3 ट्रिलियन रुपए यानी कि $15.2 बिलियन का आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। चौथा, ईरान प्रोटेस्ट्स। जो इंसान ईरान के बारे में ज्यादा जानता नहीं था वो इस वक्त ईरान के इतिहास से भी वाकिफ होगा। ईरान की मॉरल पुलिस माने नैतिक पुलिस की हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत से ईरान में एक भयंकर विरोध शुरू हो गया। अमीनी को तेहरान में हिजाब ठीक से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि अमीनी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन उसके परिवार ने कहा कि उसे दिल की कोई भी बीमारी नहीं थी। गुस्साई जनता, खास करके औरतें, ईरान की सड़कों पर उतर आईं। ईरान से स्कूली छात्राओं की बगैर हिजाब के और ईरानी हुकूमत को ललकारने वाली तस्वीरें सामने आईं। ईरान की हुकूमत भी लेकिन सख्त रही और अभी तक करीब 490 प्रदर्शनकारियों के मरने की खबर सुनी जा चुकी है। खैर, फिलहाल उन्होंने देश की मॉरल पुलिस को भंग कर दिया है, डिसबैंड कर दिया है। यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम ने अपना नेशनल एंथम नहीं गाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी और देशों से भी प्रेशर आने के चलते मॉरल पुलिस को तो भंग होना ही था। कह लें कि ये प्रदर्शनकारियों की जीत ही थी, मगर ईरान की औरतों के लिए राह अभी भी लंबी है। पांचवा, कतर फीफा। इस साल कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोली। ये पहली बार था कि जब किसी गल्फ कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। कई लोगों ने सोचा कि भाई इतनी क्या बड़ी बात है, कहीं तो खेलना था तो यहीं सही। मगर फुटबॉल प्रेमी ही जानते होंगे कि फीफा जितने बड़े इवेंट की मेजबानी कोई आम बात नहीं है। कतर इस वजह से कई बड़े विवादों में भी घिरा रहा। स्टेडियम को बनाने वाले मजदूरों की मौत से लेकर के स्टेडियम के अंदर शराब ना पीने के नियम से लोग बौखला गए। कई लोगों ने इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी दिए, कई वॉक्स पॉप्स हुए। कतर ने लेकिन भयंकर खर्चा भी किया। रूसी मीडिया आउटलेट द टास की एक रिपोर्ट की माने तो कतर ने करीब $200 बिलियन खर्चे हैं, मतलब 8 स्टेडियम ही बनाने में उन्होंने $7 बिलियन फूंक दिए। तो ये कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी 2022 की।
वो खबरें जो 24 घंटा हफ्तों हफ्तों तक टीवी चैनलों की रौनक बनी रही। इनमें से कुछ तो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और ईरान प्रदर्शन। इसी तरीके की लड़ाई भारत में भी चल रही है, मगर यहाँ महिलाओं को हिजाब पहनने के हक पर लड़ाई हो रही है। ये विरोध के तरीके हैं, कहीं कुछ होते हैं तो कहीं कुछ। आप हमें बताएं कि और कौन सी बड़ी खबर थी अंतर्राष्ट्रीय जिसने दुनिया भर में खलबली मचाकर रख दी, कमेंट बॉक्स नीचे है उसमें बताएं। उम्मीद है कि 2023 में ज्यादातर अच्छी ही खबरें हेडलाइंस में रहें, क्योंकि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।